चिल्ड्रन, हम हमारा फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे महाजन पद के बारे में। इसमें डेमोक्रेसी इन एथेंस के बारे में पढ़ेंगे। अराउंड 25,000 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड ए डेमोक्रेसी विच लास्टेस्ट फॉर अबाउट 200 ईयर्स। यानी कि 2500 वर्षों पहले एथेंस के लोगों ने एक सरकार स्थापित की जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, यानी कि जो पिछले 200 सालों से चलती आ रही है। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स, यानी कि वह व्यक्ति जो 30 एज ऑफ 30 यानी कि जिसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है, वो एक फुल सिटीजन के रूप में जाना जाता है। देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एट लीस्ट 40 टाइम्स ए ईयर टू डिसाइड ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी कि एक सभा आयोजित की जाती है लगभग 40 बार एक वर्ष के अंदर, जिसमें विभिन्न जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, यानी इस असेंबली के जो भी सदस्य होते हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजिशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, यानी जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो लॉटरी की एक स्कीम निकाली जाती है, उसमें सभी पोजिशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट किया जाता है। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन दियर नेम्स एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, यानी कि ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गेव इन दियर नेम्स, यानी कि इस लॉटरी के अंदर जिस व्यक्ति का नाम आता है या सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है कि इसको इस जो सभा है उसका सदस्य चुना जाना चाहिए, तो उसी व्यक्ति को चुना जाता है लॉटरी के माध्यम से। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, यानी कि लोगों से आशा की जाती है कि वो आर्मी या फिर नेवी के अंदर सेवा करें। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, यानी कि महिलाओं को नागरिक नहीं समझा जाता। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स, यानी कि यद्यपि जो मैनी फॉरेनर्स हैं, अनेक विदेशी लोग हैं जो एथेंस के अंदर व्यापारी या फिर क्राफ्ट पर्सन के रूप में रह रहे हैं, उनके अपने यानी कि नागरिकों के कोई अधिकार नहीं प्राप्त हैं उनको। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, क्योंकि इनके अलावा एथेंस के अंदर हजारों गुलाम रहते हैं। हु वर्कड इन माइंस, जो खानों में काम करते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं एंड वर्कशॉप और वर्कशॉप में कार्य करते हैं। दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, यानी कि उनको सिटीजन्स की भांति ट्रीट नहीं किया जाता है।